नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ गिलेश हाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज सोमवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार के कारोबारी दिन का पहला दिन है, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन है। चर्चा होगी यहां पर रूपा मेहता के साथ कि एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटी का बाजार कैसा रह सकता है, आज बाजार कैसा खुलता नजर आया, बाजारों में कम्युनिटीज का रुझान किस तरफ है, ओवरऑल ये सब चर्चा करेंगे। रूपा जी देख रहे हैं कि 50,000 का लेवल तोड़ने के बाद अब M6 कॉटन यहाँ पर 45,000 से 46,000 के लेवल पर ट्रेड करती नजर आ रही है। खबरें हैं कि कॉटन की ऊंची कीमतों के चलते जो डिमांड है वो कम हुई है और साउथ में जो मिल्स हैं उनमें वो बंद की गई हैं, क्योंकि जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, कॉटन के प्राइसेस क्या अभी यहाँ पर वायदा और हाजिर दोनों में और टूटेंगे? देखिए, बिल्कुल कॉटन में गिरावट है और अभी ये गिरावट में आ चुका है मार्केट, और ये गिरावट जो है अभी फिलहाल कंटिन्यूशन में बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। कपास में गिरावट जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे सकती है, अभी फिलहाल जो है सेलिंग की तरफ पोजिशन बनाई जा सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल में क्या लगता है, देख रहे हैं कि निचले स्तर से रिवाइव हुई हैं कीमतें, अब 2900 के ऊपर तक ट्रेड करता नजर आ चुका है, तो क्या माना जाए, क्या बिनौला खल अब फिर से 3000 के पार जाने के लिए तैयार है? 3000 हो सकता है कि देखने को मिले सर, क्योंकि अभी लेवल जो है वो उसी रेंज में मार्केट फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में 2700 तो ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3000 का स्तर हो सकता है देखने को मिले, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है इन लेवल्स के ऊपर। अभी भी मार्केट में करेक्शन बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो तेजी आ रही है मुझे लगता है कि तेजी के अंदर उसी स्तरों पर दिवाली की तरफ रहना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अगर मार्केट की हिसाब से जाता है तो वहां पर सेलिंग का कॉल लिया जा सकता है। ठीक है रूपा जी, ग्वार में क्या लगता है आपको, ग्वार में भी देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पे बीच में कहीं ना कहीं सुस्ती देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तर पर एक ही सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, अब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि ग्वार की कीमतें तेजी के बाद अब यहाँ पर सुस्त हो गई है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्वार अब अच्छी तेजी की ओर नहीं जा पा रहा है? देखिए, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, समझ भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है जहां तक आप ग्वार के बारे में बात कर रहे हैं, ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वार के अंदर अभी फिलहाल जो है वो गिरावट देखने को मिली है आज इंटर डे में, लेकिन ट्रेंड अभी भी उसमें पॉजिटिव है। अगेन 12,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आने पर ग्वार में एक लंबी तेजी आ सकती है। मेरे हिसाब से ग्वार में बाइंग की तरफ रहना चाहिए, 11,400 या 600 इस रेंज में भी बाई किया जा सकता है। आज हल्की करेक्शन पर इसमें खरीदारी की जा सकती है और 12,000 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सीट की बात करें तो सीट भी 6,000 के नीचे मिलती है तो वहां पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ऊपर में 6,200 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, मसालों में भी देख रहे हैं कि मसाल में भी कुछ नरमी ही देखने को मिली है, मसाल में भी कुछ ज्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है, कुछ ट्रेडिंग सेशन बाद आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बढ़त भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये फंडामेंटल्स तेज रहने के बावजूद मसालों में जो ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है, इसके कारण क्या है? मसालों में अभी इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से बाजार सुस्त हो गया, फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट आती हुई हमने देखी नहीं है, बाजार वहीं पर सस्टेन हो चुके हैं। आप चाहे धनिया देखिए, हल्दी देखिए या फिर जीरा, अब धनिया लगातार 10,000 के ऊपर सस्टेन है, इनफैक्ट 11,000 के ऊपर पोजिशन बनी हुई है, तो यहाँ पर ये में भी और उसके बाद जो है 12,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। और जीरे की बात करें तो जीरा ऑलरेडी अपना ऊपर का पीक दिखा चुका है, अब हल्की करेक्शन की तरफ है, यहाँ पर भी गिरावट में बाइंग बनाई जा सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर खड़े रहेंगे, बहुत ज्यादा करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तेजी भी थोड़ा सा रुकती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इन लेवल्स पर डिमांड निकल नहीं रही है। और हल्दी की बात करें तो हल्दी का नीचे में 7800 है तो ऊपर में 8200, ये स्तर अभी फिलहाल उसके रेंज में देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, कैसर की बात करें तो देख रहे हैं कैसर अभी भी बढ़त की ओर है, कैसर देख रहे हैं 7500 के ऊपर सस्टेन है, जून वायदा और जुलाई वायदा 7600 के ऊपर निकल चुका है। रूपा जी, इससे अब आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि चाइना भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन से रिवाइव हो रहा है, वहां से भी डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, NCDX वायदा में भी देख चुके हैं कि 7600 के ऊपर कैसर सीड जा चुका है, तो अब कैसर सीड का बाजार अब किस दिशा में देखते हैं? देखिए, कैस्टर में और सस्टेनेबिलिटी ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके से हमने इसको ऊपर में ट्रेड करते हुए देखा है, लेकिन वहां से फिर गिरा मार्केट, अब 7500 का स्तर है जून वायदा में, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे में गिरावट 7400 तक भी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं और मार्केट तेजी में जा सकता है। ठीक है
रूपा जी, वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं में पहले तो सरकार ने निर्यात पर बैन लगा दिया, अब गेहूं के जो उत्पादन के आंकड़े हैं उसमें भी अब कमी बताई जा रही है, सरकारी अनुमान में कटौती की गई है। दूसरा, USDA की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी उत्पादन अनुमान है उससे भी कम गेहूं उत्पादन इस बार भारत में रहेगा। और रूपा जी, देख रहे हैं कि जो फिर से स्टॉक होने लगा है और ग्लोबल वीट की जो प्राइजेज है उनमें तेजी आने लगी है, तो इसका असर अब कुल मिलाकर भारत में गेहूं के प्राइसेस पर कैसा रह सकता है? देखिए, अभी आगे प्रोडक्शन कैसा होगा, अभी तो आंखें निकल कर आ रहे हैं, और एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसा होगा उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो डिमांड हमारे यहाँ पर भी है, और विदेशों से भी डिमांड जो है वो निकल रही है, और जो एक्सपोर्ट का बैन लगा है उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसेस जो है नीचे आते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है खुलते हैं, वापस से तेजी बनती हुई वीक में देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, अभी हल्का मार्केट करेक्शन में आता हुआ जरूर दिखाई दिया, और जो करंट लेवल है यहाँ से 50-100 रुपए प्रति क्विंटल की और गिरावट एक बार बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। ये सिर्फ जी, बात करें अगर चावल की, राइस की, तो बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि जिस हिसाब से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया है, चीनी पर निर्यात पर बैन लगाया है, अब सरकार चावल पर भी कोई फैसला ले सकती है। लेकिन फिर इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये खबरें आती हैं कि सरकार का ऐसी कोई मंशा नहीं है चावलों के ऊपर बैन लगाने की, तो आपको क्या लगता है, क्या अभी भी चावल के ऊपर जो तेजी है वो ऐसी कायम रहेगी, या फिर इस खबर के बाद जो चावल के प्राइसेज हैं वो कुछ नरम हो सकते हैं? देखिए, खबरें जरूर निकली थी कि गेहूं और शुगर के बाद अब चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन है, और अभी इसका इम्पैक्ट जो है प्राइसेस के ऊपर एक स्टेबिलिटी लाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा फिलहाल बाजारों में मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा सा पीछे तेज जरूर होती हुई दिखाई दी थी, हमने हल्की करेक्शन भी आते हुए देखी, लेकिन फिलहाल इस खबर का पर जो है पूर्ण विराम लग चुका है कि फिलहाल एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोच रही है सरकार। हाँ, लेकिन अगर कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है तो फिर हो सकता है कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाए, जिस तरीके से गेहूं और शुगर का किया गया है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं, सरकार की पूरी कोशिश है कि इन चीजों की कीमतें जो है बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, ताकि आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो, तो इसलिए इनकी कीमतों पर जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर बैन लगाया गया है। और अगर कीमतें एक बार फिर से बढ़ती हैं तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट पर बैन लगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी ऐसा विचार नहीं है, और अभी प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं जी। इसी रूप में बात करें अगर सोयाबीन की, तो अमेरिकी सोयाबीन वायदा देख रहे हैं 1700 के पार जा चुका है, 1732 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि अमेरिकी सोयाबीन वायदा में अचानक से उछाल देखने को मिला है, भारत में भी सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं वो भी अभी ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं, ना ज़्यादा तेजी की ओर है ना ही ज़्यादा मंदी की ओर, बुआई का सीजन अब आ जाएगा, तो रूपा जी ऐसे में क्या लगता है, क्या सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं वो तेज बने रहेंगे, या फिर बुआई के समय दामों में मंदी आ सकती है? देखिए, सोयाबीन में अभी थोड़ा सा एडिबल ऑयल पैक एक बार थोड़ा सा प्रेशर में एक्सपेक्टेड है कि जा सकता है, जो तेजी थी वो अब रुकती हुई नजर आ रही है, और अभी थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड बन सकता है आगे चलकर, तो फिलहाल के लिए जो ऑयल मार्केट है वो थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कि इसमें गिरावट बढ़ सकती है जी। रूपा जी, खाद्य तेलों के बाजार में ऐसी भी खबरें हैं कि इंडोनेशिया से जो भारत को खेप भेजी जा चुकी है कच्चे पाम तेल की, जब से इंडोनेशिया ने बैन पर से प्रतिबंध फिर से हटा दिया है, और ये जो खेप आएगी ये पहुंचते पहुंचते जून के मिड तक आएगी, और ऐसी खबरें हैं कि जून के मिड में खाद्य तेल में कुछ नरमी आएगी, और ये सिर्फ जो खेप भेजी गई है ये महज 2 लाख टन की है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या 2 लाख टन कच्चा पाम तेल आयात होने से भारत में कच्चे तेलों के दाम में बहुत बड़ी गिरावट आएगी? देखिए, बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन प्राइसेस गिरावट के साथ ही ट्रेड करते दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पर डिमांड जो है वो भी एक अहम रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा अगर वहां से इंपोर्ट हो जाता है तो प्राइसेस जो बढ़ने की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई देंगे, और कीमतें जो है वो कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी, तो फिलहाल के लिए प्राइसेस के ऊपर डाउनसाइड का इम्पैक्ट बना रह सकता है, और अभी एडिबल ऑयल प्राइस थोड़ा सा गिरावट में जा सकती है जी। रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी बाजारों के अंदर तेजी का रुझान मसालों में ही आने वाले दिनों में बन सकता है, मसालों के साथ साथ ग्वार में भी तेजी आ सकती है, तो इन्हीं कमोडिटीज के अंदर निचले स्तरों पर जब भी करेक्शन आती है उस करेक्शन के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।